प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास का मंत्र देश भर में गूंज रहा है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने भारी जनसमूह के बीच कहा, एनडीए सरकार गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिमखेड़ा में विकास की विभिन्न योजनाओं का किया अनावरण। पीएम ने जनजातीय लोगों को जमीन के पट्टे सौंपे। प्रधानमंत्री का लिमखेड़ा और नवसारी में 66वें जन्मदिन के मौके पर किया गया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने नवसारी में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों के लिए बांटे सहयोगी उपकरण। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के नवसारी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 खेल केंद्रों की करेगी स्थापना। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की तारीफ की। कहा, उनकी सरकार नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों को नहीं देगी अनुमति। कहा, नेपाल का संविधान बनाएगा लोकतांत्रिक और संयुक्त समाज। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। उपराष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से इस खतरे से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए एक तंत्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सख्त लहजे में निंदा करने की भी अपील की। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडराए। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू सहित 43 विधायकों ने हाथ को कहा अलविदा और थामा पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साथ। भाजपा ने कहा, अपनी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस किसी और पर ना फोड़े। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के प्रयासों के बाद परिवार का झगड़ा फिलहाल के लिए टला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को लोक निर्माण छोड़कर पहले के सारे विभाग किए वापस। शिवपाल बने रहेंगे राज्य के पार्टी प्रमुख। दिल्ली के रोहतास नगर से आप विधायक सरिता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। सरिता सिंह पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ऐंठने और बिजली के बिलों को कम करने का आरोप। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एम्ब्रेयर हवाई जहाज सौदे में कथित रिश्वत मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की है। इससे पहले सरकार ने सीबीआई से ब्राजील के प्रमुख विमान एम्ब्रेयर को खरीदने वाले इंग्लैंड स्थित एजेंट के खिलाफ आरोपों की जांच करने को कहा था। इसमें 2008 में भारत में 3 एम्ब्रेयर 145 एयरक्राफ्ट सौदे में कथित कमीशन की बात सामने आई थी। बिहार के औरंगाबाद में एक विधायक के बेटे की गाड़ी को ओवरटेक करना एक बाइक सवार को महंगा पड़ गया। नाराज विधायक के बेटे ने बाइक सवार पिंटू यादव पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज होने के बाद आरोपी ने देर रात थाने में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीरिया के पूर्वी भाग में स्थित सीरियाई सेना के एक सैन्य अड्डे पर हवाई हमले में कम से कम 30 सैनिक मारे गए। रूस और सीरिया की सेनाओं ने अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर इन हमलों का आरोप लगाया है। रूसी सेना का कहना है कि हमले में सीरिया के 60 सैनिक मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट की कैद से बच निकलने में सफल रही एक इराकी युवती को संयुक्त राष्ट्र ने अपना सद्भावना दूत बनाया है। इस लड़की को आईएस आतंकियों ने यौन दासी बनाकर रखा था। 23 वर्षीय नादिया मुराद बसी ताहा को मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की सद्भावना दूत नामित किया गया है। रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला मीर से प्रतिस्पर्धा करते हुए चीन मानव सहित अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में अगले महीने अक्टूबर में अपनी दूसरी प्रयोगशाला तियांगोंग 2 भेजेगा। चीन की शेंझू 11 अंतरिक्ष यान भी प्रक्षेपित करने की योजना है, जिस पर तियांगोंग 2 पर जाने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्री होंगे। चीन की वर्ष 2022 तक रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला मीर की प्रतिस्पर्धा में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है। भारतीय टेनिस दिग्गज लियांडर पेस और साकेत मायनेनी की जोड़ी शनिवार को दिल्ली में हुए डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में राफेल नडाल और मार्क लोपेज की स्पेनिश जोड़ी से हार गई। भारतीय जोड़ी ये मुकाबला 6-4, 7-6, 4-6, 4-6 से हारी। इस जीत के साथ स्पेन ने भारत के खिलाफ टूर्नामेंट में सीधे सीधे 3-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक सहित 8 पदक जीते। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइकिलिंग वेलोड्रोम में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा।